एनडीए सिवान के लोकसभा प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के जनसंपर्क के दौरान नौतन में समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ताओं ने विजयलक्ष्मी कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अब की बार 400 के पार नारे लगाए। बांका मोड़ सिमरिया, भुलौली नौतन बाजार, ठाकुर के रामपुर, मुरारपट्टी, सिसवा बिशनपुरा, विश्रामपुर, भगवानपुर खलवा मठिया सहित अन्य गांवों में लोगों ने फूल बरसाए। पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा एनडीए की सिवान लोकसभा प्रत्याशी है। हर जगह एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। जनता इस बार कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है और जनता चाह रही है कि फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। वही जनसंपर्क में जिला परिषद देवी गुप्ता, मुखिया कृष्णा प्रसाद, योगेंद्र ओझा, श्री राम रावत, नागमणि तिवारी, रविंदर सिंह कुशवाहा, मंटू तिवारी, जमदार सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। देखिए, आप सभी जानते हैं, कोई नई बात तो नहीं है, चुनाव लोकसभा का मेरी पत्नी एनडीए से प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी देवी जी। यहाँ भाजपा के सब वरिष्ठ नेता, मंडल अध्यक्ष और एक महामंत्री जी हैं, नागमणि तिवारी जी हैं, जिला परिषद सदस्य देवी गुप्ता जी हैं, यहाँ पर हैं हमारी भाजपा की महिला नेत्री अर्पणा उपाध्याय जी हैं, मोहन राजभर जी हैं और बहुत सारे यहाँ के हमारे पार्टी के प्रखंड रविंद्र कुशवाहा जी हैं, सब लीडर लोग यहाँ मौजूद है। भाजपा का कार्यालय है, ओझा जी हैं, तो सब लोग मिल करके देखिए। अभी हम मार्केट में नौतन बाजार का मैंने भ्रमण किया, सब लोगों से मैंने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया, व्यापक जनता का समर्थन मिल रहा है। सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। माननीय नीतीश जी का बिहार में काम बोलता है, नीतीश जी नहीं बोलते लेकिन उनका काम बोलता है, सब लोग जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अपार मतों से जनता के सभी तबके, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, हिंदू हों, मुसलमान हो, सभी मिल करके विकास का मुद्दा क्या रहेगा? अरे भैया, आप क्या चाहिए बिहार की सिवान की जनता को? विकास का मुद्दा एक ही तो मुद्दा लोग कह रहे हैं, ओवर ब्रिज का क्या होगा? इसके अलावा और कोई मुद्दा बचा है क्या? सब हल हो जाएगा, समय आने दीजिए ना। चुनाव बीतते बीतते सारी समस्याओं का निदान निकलेगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो देखिये, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, हर गाँव में पक्की सड़क चली गई, बिजली की समस्या का हल हो गया। जनता जो कहेगी उस मुद्दे को हम लोग माननीय नीतीश जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से, एनडीए की सरकार से कह करके हल करवाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतों से एनडीए की प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी श्री विजय लक्ष्मी जी को जिता दें। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे यहाँ कौन धरती पर, हमारे यहाँ नौतन प्रखंड में हमारे रमेश कुशवाहा जी आए हुए हैं, उनकी पत्नी श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आई हैं। हमारे नौतन के जितना भी जनता पब्लिक लोग से हम यही आशीर्वाद
दिवाएंगे कि यहाँ से विजय प्राप्त होगा नौतन प्रखंड से। धन्यवाद। बेबी देवी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 मेरा नौतन प्रखंड।